नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मंजू के नए वीडियो में। आज के सेशन के अंदर कल जो एक लेवल डिस्कस कर रहे थे, हम लगभग उसी लेवल पे जाके सपोर्ट लिया है। तो इम्पोर्टेंट लेवल 21 860 850, ये लेवल हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमने देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन वाला लेवल है, उसी जगह पे निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया था ब्रीच करने का, लेकिन वहां से एक थोड़ा रिवर्सल जनरेट हुआ और एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें आज के दिन मार्केट के अंदर देखने मिल गई। आज का दिन अगर हम देखें तो निफ्टी काफी टाइम तक साइडवेज था, एंड में एक अपसाइड मूव मिली थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम बिहेवियर देखें तो एक कंफ्यूजन का माहौल अभी भी बना हुआ है। इस वजह से इंडिसिसिवनेस है मार्केट के अंदर, इस वजह से स्पिनिंग टॉप कैंडल आज हमें देखने मिली है। अब दोस्तों, इसके अंदर आगे सेम लेवल जो आज होल्ड हुए हैं 21 850 इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर जाएगा मार्केट तो 21 500 तक के एक बार लेवल ओपन होंगे, जिसमें इंट्राडे में फर्स्ट 21 650 के आसपास तक फर्स्ट लेवल देखने मिल सकता है। अभी हायर साइड पे अगर हम देखें अपसाइड में, ये जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से निफ्टी साइडवेज हुआ है, वही एक साइडवेज की रेंज वापस रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अपसाइड के अंदर अगर 22,000 के ऊपर निकलता है निफ्टी, तो फिर 22,200 और 22,300 ये दो लेवल में फंस सकता है। इस वजह से ये लेवल का वेट करना चाहिए। 22,300 जब निकलेगा फिर अपसाइड का व्यू ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने आज सिमिलर लाइन निफ्टी की तरह ही एक बिहेवियर दिखाया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हुए दिखाई दी। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर एक बार हम इसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के साइड आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी थी काफ़ी, और जब एक शार्प डाउन कट बना था, शार्प एक डाउनफॉल बना था बैंक निफ्टी के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो गया था। तो इस वजह से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो वापस क्या होगा, ऐसी जो वॉलेटिलिटी रहती है। अब जैसे आप यहाँ पे इस सेक्शन में देख रहे हैं, इस सेक्शन में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है बैंक निफ्टी में। इस वजह से निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। फिर भी अपसाइड का अगर कोई व्यू बनाना है तो कल जैसे डिस्कस कर रहे थे 46,750, जो कि ये रेड कैंडल का हाई है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो एक व्यू बनेगा अपसाइड का। फिर से नीचे के साइड पे दोस्तों एक सपोर्ट आएगा 45,000 पे, लेकिन इसी वजह से कि समझो आज का लो अगर ब्रीच होता है 45,600 का, 45,500 का, तो व्यू ओपन होगा 45K का, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, अगेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर चौपिनेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फिर भी एग्रेसिवली प्ले करना है तो देख सकते हैं आप। और निफ्टी मिड कैप के बारे में आज डिस्कस करते हैं। निफ्टी मिड कैप के अंदर आज के दिन एक सिमिलर लाइन पे फॉल हुई, लेकिन निफ्टी मिड कैप थोड़ा स्ट्रांगली क्लोज हुआ है, एक हैमर कैंडल बनी है। लगभग निफ्टी मिड कैप पे 46,000 के आसपास अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 46,500 का जो लेवल है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह आ रहा है मिड कैप पे। आज के इंट्राडे मार्केट के अंदर लगभग 47,300-400 के लेवल हमने देखे थे। आने वाले सेशन के अंदर मेरे हिसाब से मिड कैप में अगर कोई फर्दर व्यू बनना चाहिए तो वो एक साइडवेज टाइप लग रहा है, लेकिन माइल्ड पॉजिटिव अभी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड कब चेंज होगा, ये मिड कैप का हायर है, हाई लो वाला ट्रेंड बनता जा रहा है, हमें एक क्लोजिंग चाहिए 46,500 के नीचे। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशन मिलेंगे। तो मिड कैप भी अगर देखें तो ओवरऑल एक पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ऑन दी साइडवेज नोट में, कि इमीडिएट ऐसा नहीं लग रहा कि जो लेवल है 46,500 का वो ब्रीच होगा। अब दोस्तों, तो कॉशन के साथ थोड़ा चलेंगे, क्योंकि अब मैं डाओ का चार्ट देखता हूँ तो डाओ क्या कर रहा है। डाओ ने अपना ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो चेंज ऑफ पोलैरिटी थी ये, लगभग इधर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट फेल होता है और हम 38,800 के नीचे क्लोज हो जाते हैं, या इनफैक्ट अगर एक डिप मिलता है 38,500 तक का, तो वो फियर जनरेट कर सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे फोकस रहना चाहिए।
सेंटिमेंट उतने खास नहीं आ रहे डाउ से। बॉन्ड डील की बात करूं तो बॉन्ड डील एक ब्रेकआउट देने के लिए आज फिर से तैयार हो रहा है। डॉलर इंडेक्स कोशिश कर रहा है, ये जो चैनल आपको सपोर्ट दिखेगा यहाँ पे, या हम एक यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब आने वाले सेशन के अंदर ये जो इंडिकेटर है बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, ये एक अपसाइड मूव के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस सिनेरियो में डाउ के ऊपर असर पड़ सकता है। डाउ की जो मोमेंटम है वो कम हो गई है। अब अगर आप देखोगे तो डाउ जिस हिसाब से चल रहा था पिछले कई दिनों से, अगर हम देखते हैं थोड़ा ब्रॉड व्यू लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो डाउ की जो मूव थी काफी क्लीन थी। क्लीन का मतलब आप देख सकते हो स्विंग बनी, थोड़ा कंसोलिडेशन, स्विंग बनी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर स्विंग, एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला, उसके बाद ये जिगजैग हो गया है डाउ का चार्ट। इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कम हो रही है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं निकालेंगे कि ट्रेंड एकदम से चेंज होगा, आप वो टाइम नहीं कर सकते। टाइम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हायर लो की फॉर्मेशन जब टूटे वहां से वीकनेस बन जाएगी। अभी चलते हैं ब्रेंट। ब्रेंट साइडवेज में फंसा हुआ है यहाँ पे। अब दोस्तों स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक पे चलने से पहले लास्ट सेशन के अंदर हमने चार्ट स्टडी आपकी देखी थी, जो भी आपने कमेंट किए थे, फिर से हम वेनेसडे को रखेंगे, तो वेनेसडे वाले वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं तो मैं याद दिला दूंगा। तो थर्सडे का जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आप लोग जो चार्ट प्रैक्टिस करते हो, वीडियो देख के जो समझते हो और उसके बाद प्रैक्टिस करते हो, तो उसका रिव्यू तब लेंगे। तो मैंने देखा काफ़ी लोग कमेंट में फिर भी पूछ रहे थे, तो मैं आज देखता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, बट उसको एवरीडे कर नहीं पाएंगे, हर थर्सडे के दिन हम फिक्स कर लेते हैं। तो वेनेसडे का जो भी वीडियो होगा वहाँ पे हम चार्ट स्टडी, जो भी आपको लगता है आपकी स्टडी है वहाँ पे डालिए, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी स्टॉक्स पे चलते हैं, और स्टॉक्स पे सबसे पहला कल जो काउंटर डिस्कस किया था वो था एक मन्नापुरम फाइनेंस का, जिसके अंदर ब्रेकडाउन लग रहा था, ब्रेकडाउन का एक लेवल था लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए इस स्विंग स्विंग लो का हमको वेट करना था, आज के दिन वो नहीं हुआ तो इसके अंदर होल्ड है, इसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे। और साथ ही साथ मदरसन सुमी के अंदर भी ये जो अपसाइड का एक 120 का लेवल था वो भी ट्रिगर नहीं हुआ, तो दोनों ही काउंटर के अंदर कोई ट्रिगर नहीं था। अगर आप देखोगे तो ये हफ्ते के जो काउंटर हमने डिस्कस किए थे काफी ज्यादा साइडवेज वाले बन गए, या चॉपी बन गए, या एसएल उनके अंदर अगर हम देखते तो ब्रेकआउट कैंडल की जो लो वाली कैंडल है उसके भी नीचे चले गया प्राइस, तो चार्ट स्टडी रॉन्ग भी हो गई। तो ये कंफ्यूजन वाला वीक रहा है ओवरऑल। अभी क्लैरिटी कल मिलनी चाहिए, और कल भी मैं वीडियो एक बार के लिए बना दूंगा, क्योंकि सैटरडे को मार्केट ओपन रहेंगे उस हिसाब से। अभी आने वाले सेशन के लिए दो काउंटर, सबसे पहला आता है गुजरात पिपावा पोर्ट। मैं क्लीन कर देता हूँ। गुजरात पिपावा पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पोल दिखेगा, और पोल के साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, फ्लैग नहीं बोलेंगे इसको, पेनेंट बोल दीजिए, एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आपको इधर दिखाई दे सकता है। तो लेवल क्या होंगे उसके, पेनेंट पैटर्न के ये हो गए आपके 217, इसके ऊपर अगर ब्रीच करेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिख सकता है। तो गुजरात पिपावा पोर्ट को व्यू कर सकते हैं, इस पे हायर हायर लो की फॉर्मेशन बन रहे हैं, काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाया है इसने। साथ ही साथ इसके अंदर जो वॉल्यूम है रिसेंट कुछ दिनों में, इसके अंदर काफी अच्छी वॉल्यूम देखने मिली है, और इसका कारण था कि इसने अपना मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, सो उस वजह से वॉल्यूम का बिल्टअप भी काफी है, तो सपोर्ट होना चाहिए इसको। और इसी तरीके से हायर हायर लो बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है काफी हाई है इस काउंटर में। तो 217 का लेवल इंपॉर्टेंट है। नेशनल एल्यूमिनियम सेकेंड जो काउंटर निकल के आता है, ये अपने चैनल सपोर्ट पे आया है, और चैनल सपोर्ट पे इनसाइड बार की कैंडल बनी है आज के सेशन के अंदर। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, इनसाइड बार की कैंडल एट चैनल सपोर्ट। अब इसका व्यू इस तरीके से बनेगा, अगर कुछ दिनों में अगर मंदी बनती है आने वाले सेशन में, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, और ये चैनल भी ब्रीच होगा, और इनसाइड बार का भी सेटअप होगा। तो जिस तरीके से ये पॉजिटिवली रिवर्सल की तरह देख रहे हैं, ये नेगेटिव भी बन सकता है, तो इसका एक बार ध्यान रखना चाहिए। रिवर्सल प्ले जब भी करते हैं उसमें हमेशा ये दिक्कत होगी कि
मार्केट अगर वीक हो जाता है किसी भी कारण से, तो या तो काउंटर साइडवेज हो जाएगा या तो रिवर्सल फेल कर देगा। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट लेवल आपके हो जाएंगे 162। अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव प्ले आउट करना है तो आपको जो ये प्रीवियस रेड कैंडल है उसका हाई का वेट करना चाहिए। तो उसकी हाई की बात करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 158.5। तो 158.5 का अगर आपको लेवल ब्रीच होते हुए दिखाई देता है तो यहाँ पे भी एक मूव अपसाइड की जनरेट हो सकती है, जहाँ पे ये काउंटर अपना चैनल का जो रेजिस्टेंस टच किया है वापस से एक बार अटेम्प्ट करे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका जो लोअर लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले सेशन के लिए। तो 150 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो ये काउंटर वीक हो जाएगा, तो 150 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए इस काउंटर में। सो दो काउंटर डिस्कस किया आज हमने, एक गुजरात पिपावा पोर्ट जो अच्छा आ रहा है, लो वॉल्यूम भी अच्छा है उसके अंदर, और एक पेनन पैटर्न का सेटअप है। सेकंड एक रिवर्सल टाइप काउंटर है जो कि नेशनल एल्यूमिनियम है, जिसकी जो चार्ट स्टडी कर रहे हैं तो दिख रहा है कि एक राइजिंग चैनल के अंदर इनसाइड बार चैनल के लोअर सपोर्ट पे बना हुआ है। तो ये दो काउंटर को रखेंगे रेडार में, और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी न्यूट्रल ही रखेंगे, ठीक है, न्यूट्रल टू माइल्ड पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर तो सेंटिमेंट बदल सकते हैं, तो बेटर है कि थोड़ा स्टांस एक न्यूट्रल का रखें। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।